नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। पूरा देश कोरोना से पीड़ित है। इस महामारी से निपटने के लिए फिल्म स्टार्स से लेकर क्रिकेट के सितारे सभी मदद कर रहे हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार वे मुख्यमंत्री राहत कोष और प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसे भी दे रहे हैं। वो देश को इस संकट की घड़ी में वो देश के साथ खड़े हैं, देश को मुसीबत से निकालना चाहते हैं। लेकिन आज हम जो सवाल उठाने जा रहे हैं, वो सवाल कईयों को बड़े तीखे लगने वाले हैं। तीखे इसलिए लगेंगे कि देश के हर एक मुद्दे में टांग अड़ाने वाले ये चिल्लर नेता आज कहाँ गायब बैठे हैं। चिल्लर नेता से आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कन्हैया कुमार की। और एक और चिल्लर नेता है स्वरा भास्कर। टीवी डिबेट में आकर के घरियाली आंसू बहाने वाली ये स्वरा भास्कर कहाँ गायब है। जब आज देश पे मुसीबत है, ये लोग कहाँ गायब हैं। पैसे तो इन्होंने भी बड़े कमाए हैं। और एक और नाम, गुजरात में आरक्षण के नाम पर बवाल काटने वाले हार्दिक पटेल कहाँ है ये लोग। जब देश पर मुसीबत है, आरक्षण के नाम पर आपने हजारों लोगों को इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन आज जब देश को जरूरत है तो आज आप लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कन्हैया कुमार की। सीपीआई के बड़े नेता हैं, कम्युनिस्ट नेता हैं, जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं और अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं। नेता वही होता है जो मुसीबत के समय जनता के साथ खड़ा रहे, अपनी क्षमता के अनुसार ही नहीं अपनी क्षमता से ज़्यादा मदद करे वो जनता की, वही नेता होता है। अपने खून का एक एक कतरा जनता के लिए जो न्यौछावर कर दे, वो नेता होता है। लेकिन कन्हैया कुमार जो सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव रहते हैं, हर एक मुद्दे पर, चाहे वो धारा 370 हो, 3 तलाक हो या और तमाम मुद्दे, बिना सोचे समझे देश का हमेशा विरोध करने वाले, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले, जब आज कोरोना भारत में आकर के अपना सबूत दे रहा है कि हाँ हम कोरोना है, ये लोग कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। अरे कम से कम जिस जगह से तुम चुनाव लड़े थे लोकसभा, उस जगह जा करके बेगूसराय के लोगों से पूछ लेते या लोगों के बाद जा करके किसी न किसी प्रकार उनकी मदद करवाते। जरूरी नहीं है तुम लोगों के बीच जाओ, सोशल मीडिया है। मैं कन्हैया कुमार का जो है ट्विटर अकाउंट खोला हुआ हूँ, इतने दिन बाद इसकी नींद जागी है 26 मार्च को। और 26 मार्च में इसमें ट्वीट भी क्या आता है, कोरोना महामारी से लड़ाई हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, हमें सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और सरकार को हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। सरकार तो कर रही है, सामूहिक जिम्मेदारी, ये बात सही है, लेकिन 26 मार्च तक कहाँ सोए थे, उसके पहले कहाँ थे, कहाँ थे उसके पहले, उसके पहले कोरोना के बारे में जानकारी नहीं थी क्या, या कुछ और चल रहा था। लेकिन ये लोग, ये चिल्लर नेता ही देश को डुबोने का काम कर रहे हैं। आम दिनों में हर जगह जा करके हर मुद्दे पर, कोई अच्छा हो कोई मुद्दा बुरा हो, बिना सोचे बिना समझे सिर्फ सरकार को और प्रशासन को गाली देने वाले ये लोग, जब देश को वास्तव में इनकी ज़रूरत है। और ये लोग हर जगह जाके कहते भी थे कि देश के लिए अपना सर तक कटा देंगे। अरे देश तुम्हारा सर नहीं मांग रहा है, देश तुम्हारा कर्म मांग रहा है। और जब कर्म करने की बारी आई, तुम लोग भाग खड़े हुए हो। देश, अगर तुम कर्म आज अच्छे कर लेते तो आने वाले हो सके चुनाव में लोग तुम पर भरोसा करके तुम्हें वोट भी देते और शायद तुम्हें लोकसभा भी पहुंचा देते। अब बात कर लेते हैं स्वरा भास्कर की। CA NRC की बड़ी जानकार, ज्ञान की गंगा CA NRC पर, ऐसा लगा कि मानो देश में आपत आ गई हो। टीवी डिबेट में जाकर रोने लगी। लेकिन आज जब देश को ज़रूरत है, तुमने भी तो 2-4 फिल्म किए हैं, बड़े ऐड किए हैं, कुछ तो पैसे प्रधानमंत्री राहत कोष में दे देती, मुख्यमंत्री राहत कोष में। लेकिन जब देश को वास्तव में ज़रूरत है, ये लोग कभी नहीं खड़े होंगे। इनका एकमात्र मकसद है देश को तोड़ो। ये लोग शायद मन ही मन बड़े खुश होंगे कि आज भारत परेशान है। जब भारत परेशान नहीं होता है तो ये लोग परेशान उसको करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। तो शायद कोरोना की वजह से इन्हें अलग खुशी मिली होगी। ये बातें इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि आम दिनों में आप लोग अक्सर देखते होंगे, और बहुत से ऐसे ब्लाइंड फॉलोअर्स भी हैं जो इन लोगों को बड़ा तवज्जो देते हैं, बहुत ज्ञानी मानते हैं, बड़े विद्वान मानते हैं। लेकिन आज जब देश पर मुसीबत है तो कोई व्यक्ति उस मुसीबत से अछूता नहीं है। जो बच रहा है इस बीमारी से, इसका ये मतलब नहीं कि उस पर मुसीबत नहीं आई। ये मुसीबत सब पर है, ये मुसीबत सब पर आई है, सब पर बराबर मुसीबत है। लेकिन जो लोग हर मुद्दे पर ज्ञान की गंगा बहाने लगते हैं, वो लोग आज जब देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है,
यही लोग भाग खड़े हुए हैं, जनता के साथ नहीं दे रहे हैं, और अगर कम से कम कुछ ना हो पाए तो देश के लिए आर्थिक मदद ही कर देते। अब बात कर लेते हैं हार्दिक पटेल की। ये वही नेता है जो गुजरात में आरक्षण को लेकर एक बार गुजरात को पूरे जलाने की पूरी कोशिश की थी। गुजरात जला भी था, वहाँ 144 भी लगा, कुछ लोगों की जानें गई, बहुतों की पिटाई भी हुई, लेकिन वास्तव में आज जब पूरे देश को एक साथ खड़ा होने की ज़रूरत है, तब ये लोग पता नहीं कहाँ गायब हैं। सोशल मीडिया पर तो इनके ट्वीट से या उनके फेसबुक पर पोस्ट तो कभी आते ही नहीं कि चलो कम से कम तुमको जो लोग मानते हैं उनके लिए ही जागरूकता अभियान ही चला दो, न पैसे दे पाओ जागरूकता अभियान ही चला दो। लेकिन ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें शायद हर बार की तरह खुशी मिलती है कि देश को तोड़ो, देश के लोगों को जलाओ, देश के लोगों को रुलाओ, तभी इनको शायद खुशी मिलती है। और आज जब देश परेशान है, देश अपने घरों में बंद है, इनका शायद मकसद पूरा हो गया होगा, कोरोना ने इनका मकसद पूरा कर दिया। ये बहुत गंभीर बातें हैं, इन गंभीर बातों को आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब आप लोग बिना किसी बात के ऐसे चिल्लर नेताओं के साथ आप लोग जब चले जाते थे, जब आज आपको ज़रूरत है तो यही चिल्लर नेता गायब है। अगली बार से आप लोग भी अपना नेतृत्व सही रखिए, आप तय करिए कि किसके साथ आप जाएंगे, उसके साथ जाइए जो मुसीबत के समय आपके साथ खड़ा हो, ना कि ऐसे चिल्लर नेताओं के साथ। मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रशंसा करता हूँ इस मुसीबत की घड़ी में, बेशक उनके पास पद है, लेकिन वो इस पद की गरिमा को बना रहे हैं। और देश के जितने भी अन्य कई ऐसे विपक्षी दल के भी नेता हैं जिनके पास कोई पद नहीं है, जिनके पास कोई भी पद नहीं है, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में वो देश के साथ खड़े हैं। आप लोगों को अगर लगता है कि इन चिल्लर नेताओं के लिए दो चार शब्द बोलना है तो ज़रूर बोलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए लोकसेवा न्यूज।